तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे बेहतर तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है और जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड है व्हेन यूज्ड इन लेबोरेटरी एट द नॉर्थ पोल। मतलब नॉर्थ पोल पे आप लैब बनाए हो तो वहाँ जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, ये आप ध्यान रखना है। केस फर्स्ट। दूसरा केस है, व्हाट विल द टाइम पीरियड इफ द सेम पेंडुलम यूज इन लेबोरेटरी एट इक्वेटर। तो अगर वही वही इक्वेटर पर लेबोरेटरी यूज होती है तो जब वो इक्वेटर पर यूज होगी तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, तो इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है। साथ साथ में आपको अर्थ के केवल रोटेशन के बारे में कंसीडर करना है, ठीक है। तो ड्यू टू शेप, ये कर्वेचर, ये सब नेगलेक्ट कर देना है, केवल आपको रोटेशन का अकाउंट लेना है। और जी की वैल्यू आपको 9.8 लेना, अर्थ का सरफेस रेडियस 6400 किलोमीटर लेना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो नॉर्थ पोल पे चलते हैं जहाँ सफ़ेद बालू रहते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे नॉर्थ पोल पे अगर ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है इस नॉर्थ पोल पे अप्रॉक्सीमेटली, ये बहुत बड़ा नहीं आर्क बनाऊंगा, तो ये नॉर्थ पोल पे ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड 2π L/g बनेगा अंडर रूट, और इसकी वैल्यू 2 सेकेंड है। इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट, ये नॉर्थ पोल की कहानी है। तो पोल पे, हाँ पोल पे देखो, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, अगर रोटेशन होता है तो अर्थ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जी इज इक्वल टू जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। तो अगर नॉर्थ, हाँ नॉर्थ पोल पे बात करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है भाई, 90। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जी आ जाएगी जो कि 9.8 होगी। तो ये तो रहा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π L/g, जी की वैल्यू 9.8 इक्वल टू 2 सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ पोल। चलो बात करते हैं इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे ये इक्वेटर है तो इक्वेटर पे आ जाते हो, तो इक्वेटर पे अगर सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर जी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी और जी की वैल्यू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा होती है। आई होप सबको पता है कि लैम्बडा लैटिट्यूड है, तो 0 होती है एट इक्वेटर पे। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे अगर तुम बात करोगे तो इक्वेटर पर यहाँ से तुम टाइम पीरियड लिखोगे टी डैश इज इक्वल टू 2π लेंथ वही रहा और जी डैश की वैल्यू डी हो गई होगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टाइम पीरियड टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2π L/g डैश की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जी डैश यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2π L/g, अगर मैं जी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जी कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो 1 माइनस R ओमेगा स्क्वायर g बचेगा, ठीक है। ये मैंने जी कॉमन ले लिया भाई, और यहाँ से ये सब कुछ अंडर रूट है। तो तुम देखोगे यहाँ से जो टाइम पीरियड आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा, तो देखो यहाँ से टाइम पीरियड टी डैश की जो वैल्यू है वो 2π L/g अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ से ये 1 माइनस R ओमेगा स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये पूरा का पूरा अंडर रूट था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इतना बनेगा। अब ये जो टी डैश है ये पूरा का पूरा फर्स्ट इक्वेशन से यूज करोगे तो टी हो जाएगा, और 1 माइनस R ओमेगा स्क्वायर ओवर g, और ये -1/2। अब देखोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। मतलब आर ओमेगा स्क्वायर जी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 + x की पावर n बाइनोमियल अजम्पशन इफ इज इक्वल टू 1 + n x हो जाएगा इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1।
तो इस केस में ये बाइनोमियल अजम्पशन ले आके मैंने इसको अंदर ला दूंगा, तो टी डैश इज इक्वल टू ये आ गया आएगा टू ई टी की वैल्यू टू और माइनस माइनस प्लस आर ओमेगा स्क्वायर ओवर टू जी। दिस इज द न्यू टाइम पीरियड, ये जो जो टाइम पीरियड बना दिस इज द न्यू टाइम पीरियड इन द लेबोरेटरी एट द इक्वेटर। अब सबकी वैल्यू रख दोगे तो फाइनली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो सबकी वैल्यू रख दो, सारा वैल्यू हमें हमारे पास नोन है, तो इसकी वैल्यू टू और वन माइनस आर, आर रेडियस 6400 किलोमीटर ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी, तो टू ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है टू पाई टी, तो टू पाई 3.14 और इन सब का स्क्वायर चढ़ेगा और डिवाइड कर दिया जाए जी टू टाइम्स 9.8 और टाइम पीरियड टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 24 आवर, तो 24 आवर, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से आर ओमेगा स्क्वायर, तो सब कुछ यहाँ से तुम देखोगे तो 24 और आवर है तो 6 इतने सेकंड का स्क्वायर ये फाइनली। तो ये बहुत लंबा एक लेंदी कैलकुलेशन आएगा, तो ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेशन कर लोगे तो टी डैश अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.004 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा यार, सिंपल सी बात है, मतलब 2 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि तुम देख रहे हो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सिंपल पेंडुलम कम ऑसिलेट करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।